हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वो वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज़ क्लास नंबर टू फॉर अकाउंटेंसी एम सी क्यूज एंड फर्स्ट क्लास के अंदर हम ऑलरेडी फाइव एम सी क्यूज डिस्कस कर चुके हैं ऑन एन एवरेज फाइव एम सी क्यूज एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे एंड डीज एम सी क्यूज आर गोइंग टू हेल्प यू आर लॉट तो इन एम सी क्यूज को अच्छे से देखें एंड सारे एम सी क्यूज कवर करें इसके अलावा वी ऑल्सो हैव एम सी क्यू कोर्सेज ओके एम सी क्यू कोर्सेज हैं हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर है अकाउंटेंसी के ऊपर है सोशल सिक्योरिटी के ऊपर है जो बेसिकली ई पी एफ ओ या ए पी एफ सी के एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चे के लिए एक नए सब्जेक्ट होते हैं तो उसके एम सी क्यूज के कोर्सेज हमने बनाए हैं वो आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए ओके सो अकाउंटेंसी एम सी क्यू क्लास टू हम शुरू करेंगे एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आसान सा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड मैंने आपको पहली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं कि अकाउंटिंग को जनरली हम तीन स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं एक आ जाती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिर आ जाती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरे नंबर पर आ जाती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है तो रफ ब्रीफली हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को पिछली क्लास के अंदर समझ चुके हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेक्स यूज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग फॉर डिसीजन मेकिंग ठीक है जी ऑप्शन में नंबर वन है कॉस्ट अकाउंटिंग टू फाइनेंस अकाउंटिंग आपको ऑप्शंस देख करके बताना है कि इनमें से किसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करता है डिसीजन मेकिंग पर्पज के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करता है या फाइनेंस अकाउंटिंग का यूज करता है या दोनों का यूज करता है या किसी का भी इनमें से यूज नहीं करता अब ये देखने में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको साउंड हो रहा होगा लेकिन एग्जाम के अंदर इट कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन क्योंकि देखा जाए तो ये तीनों अलग स्ट्रीम्स है ना कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंस अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और यहां पर क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनमें से किसको यूज करती है डिसीजन मेकिंग के लिए तो आंसर यहां पर क्या करेक्ट होगा आंसर दोस्तों यहां पर करेक्ट होगा सी बोथ तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना दोस्तों वो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंटिंग दोनों को यूज करती है डिसीजन मेकिंग के लिए क्योंकि देखो फाइनेंस अकाउंटिंग से भी अपने को आइडिया लग रहा है अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का आइडिया लग रहा है अपने को बिजनेस के कंसर्न्स का आइडिया लग रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग से अपने को ये पता चल रहा है कि बिजनेस के कहां कहां पर खर्चे हो रहे हैं कहां पर वेस्ट खर्चे हो रहे हैं वो भी अपने को नजर में आ जाएगा अल्टीमेटली इन्हीं सबको एनालाइज करके तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो अपना काम करेगी डिसीजन मेकिंग का तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है ये प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन में हेल्प करता है मैनेजमेंट को फ्यूचर्स के लिए प्लान बनाने के लिए और जो करंट सिस्टम है उसके अंदर एक कंट्रोल स्टैब्लिश करने का काम होता है मेनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ठीक है जी एंड तो प्लान एंड कंट्रोल के लिए जो सारे इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करेगी अब मैन ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग स्ट्रीम्स से मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मिलेगी वो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी यूज करेगी वो बजेटरी कंट्रोल इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो सारे टूल्स है उनका यूज करेगी इंटरनल ऑडिटिंग से जो रिपोर्ट्स आएंगी उसका यूज करेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करेगी तो तभी तो उसको एक प्लान फॉर्म कर पाएगी ना वो फ्यूचर के लिए और करंट में कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए ठीक है जी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग द टू अदर स्ट्रीम्स ऑफ अकाउंटिंग दोनों का यूज

जो भी एग्जाम आप दे रहे हो ना उस एग्जाम की जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके माइंडसेट को समझना उसके पैटर्न को समझना उसकी क्या अप्रोच होती है क्वेश्चंस के अंदर उसको समझना आधी लड़ाई तो बच्चे तभी जीत जाते हैं जब ये अप्रोच उनको समझ में आ जाती है आपने देखा होगा काफी बार ऐसा होता है कई बच्चे ऐसे होते हैं उनका पेपर हर बार क्लियर हो जाता है भले ही उनका इंटरव्यू क्लियर ना हो रहा हो या उनका मेंस क्लियर ना हो रहा हो जिन पे, पेपर्स में दो लेवल्स होते हैं प्रीलिम्स और मेंस ठीक है लेकिन प्रीलिम्स हमेशा क्लियर हो जाता है ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा आपसे इंटेलिजेंट है फंडा ही होता है इन्होंने को कर लिया प्रीलिम को क्लियर करने का तरीका इनको आइडिया लग चुका है कि ये एग्जामिनर इस हद तक जा सकता है इस लेवल तक पूछ सकता है इतना मेरे को करके जाना है इतना मेरे को छोड़ के जाना है ये बस ये सारी गेम होती है ठीक है और कुछ नहीं होता अब देखो आपको स्टेटमेंट दिए हैं अगेन कंसिडर द फॉलोइंग नंबर वन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन टू क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन थ्री समराइजिंग द ट्रांजेक्शन फोर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट अब आपको ये बत, इसको ये जो चार पॉइंट आपको गिवन है आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं ना तो उसमें एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस ठीक है तो कोई भी अगर प्रोसेस है तो वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो बेसिकली आपने स्टेप्स को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सबसे पहला स्टेप है और जो सबसे फाइनल स्टेप है ऑप्शन ये रहे ए वन टू थ्री फोर बी टू वन थ्री फोर सी टू थ्री वन फोर डी वन थ्री टू फोर ओके सो वट विल बी द राइट आंसर इन दिस केस अगेन अकाउंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत ईजिली आंसर कर सकते हो देखो इसके अंदर अंदर बच्चा हो हो सकता था। हो सकता था था? किस चीज के वो इसका ऑप्शन टू वन थ्री फोर कर सकता था ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक आइडिया लगा लोगे कि आप ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर रहे हो सबसे पहले उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर रहे हो नहीं ऐसा नहीं होता अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम बेसिकली अ प्रोसेस बोलते हैं एक जिसको जर्नलाइजिंग का प्रोसेस बोला जाता है अभी मैं आपको ना ये एक एक स्टेप सारे समझाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन क्या होता है क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन क्या होता है समराइजिंग क्या होता है क्वेश्चन के थ्रू ही उनको बेटर समझाऊंगा तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है फिर ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई किया जाता है फिर समराइज एंड फिर इंटरप्रेट ये एक एक करके हम स्टेप देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी ठीक है इसीलिए मैं यहां पर इस स्लाइड में इसको सारे को नहीं समझाऊंगा ठीक है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा क्वेश्चन देखो और इससे आपको एक प्रोसेस uh, क्लियर होगा डैश इज द द बुक इन ऑल ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ठीक है इनमें से कौन सी बुक होती है जिसके अंदर आप बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ठीक है सबसे पहले तो यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है जैसे आप एक दिन के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती है ठीक है तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है अब वैसे वैसे उसको लिखते जा रहे हो बस ठीक है आप इसके अंदर कोई भी छांटना नहीं कर रहे हो कि ये वाली ट्रांजैक्शन को उधर डालो इस वाली को उधर ये आप एक आपके पास एक कागज है और उस कागज में जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जा रही है उस डे में आप उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया तो ऐसी बुक को क्या कहते हैं लेजर कहते हैं जर्नल कहते हैं ट्रायल बैलेंस कहते हैं है। अब देखो अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है अकाउंट्स की तो डेफिनेटली देखो ये सबकी सब जो है स्टेटमेंट्स ही है एक तरह से अकाउंट्स की लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेली ट्रांजेक्शन को हर ट्रांजेक्शन को आप उसमें रिकॉर्ड करोगे बिजनेस की उसको हम क्या बोलते हैं वो होता है दोस्तों आपका जर्नल ठीक है जर्नल और ये पहली स्टेज है जहां पर आप रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो जस्ट okay. तो ये क्वेश्चन दो बार आ गया यहां पर ओके जर्नल इसका आंसर है तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें सो so, अकाउंटिंग प्रोसेस यहां से शुरू होगा अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है कि आप सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल की एंट्री किसको कहा जाता है जर्नल को ही बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है अब देखो अच्छा ये क्वेश्चन अलग था डिफरेंट था सॉरी फोर्थ क्वेश्चन मैंने क्या बनाया था थर्ड क्वेश्चन था हमारा ये ट्रांजेक्शन कि किस में रिकॉर्ड हो रही है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फोर्थ क्वेश्चन था कि कौन सी बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है इनमें से किसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है अब देखो ये भी एक क्वेश्चन बन गया ना कि भाई लेजर को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है जर्नल को या ट्रायल बैलेंस को सो द राइट आंसर इज अगेन जर्नल ठीक है तो जर्नल से ही हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है जिसके अंदर हम सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे ये एक तरह की डायरी है जैसे जैसे तो ट्रांजेक्शन जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होती जाएगी वैसे वैसे इसको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे तो ये क्या है एक तरह से एक डायरी है ओके सो so, इस डायरी के अंदर आप हर अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे डेली रिकॉर्ड है बिजनेस का ओके जी जो भी फाइनेंशियल करेक्टर के हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया डेट वाइज टाइम वाइज और ये बेसिकली आप कैसे रिकॉर्ड करते हो कैश मेमो कैश रिसिप्ट इन्वॉइसिस जो भी आपके पास आएंगे एज अ अकाउंटेंट आप उसको रिकॉर्ड करते जाओगे और ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको क्या बोला जाता है जर्नलाइजिंग इसको बोला जाता है ओके अब जर्नल को भी आप फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो सब्सिडरी बुक्स के अंदर जैसे कैश जर्नल उसके अंदर आप कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हो परचेज जर्नल सेल्स जर्नल ओके तो ये अलग अलग हो सकते हैं लेकिन प्राइमरी जो जॉब होता है जर्नल का वो क्या होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी फिफ्थ क्वेश्चन ये इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन होगा स्टेजेस कंटिन्यू हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के के अंदर सो डू नॉट वरी हमें एक साइड सिस्टम लेकर चलेंगे कि पांच से छह क्वेश्चन हम एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे एट विच स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस द लेजर इज मेंटेन्ड लेजर अब कौन से प्रोसेस पे हमने देखे ना चार प्रोसेस है रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग उसके बाद समराइजिंग और फिर इंटीग्रेटिंग तो लेजर कौन सी स्टेज के ऊपर आप मेंटेन करते हो अगेन ऑप्शन आपके पास आ गए हैं रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग द आंसर ओर विल बी ऑप्शन बी क्लासिफाइंग तो क्लासिफिकेशन की स्टेज पे अब ऑलरेडी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सक चुके हैं जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई हैं उसको हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया है अब टाइम आ गया है कि उन ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई किया जाए ठीक है जी तो जर्नल में तो हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन को जैसे आई वो वैसे लिख ली अब इसके अंदर क्या है ना जर्नल के अंदर अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ढूंढनी है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ठीक है क्योंकि वहीं पर आपने परचेज की भी रिकॉर्ड की हुई है वहीं पर सेल की भी रिकॉर्ड की हुई है वहीं पर एक्सपेंसिस की भी की हुई है वहीं पर हर ट्रांजेक्शन है तो ये बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा जब आप पूरे साल की स्टेटमेंट देखने बैठोगे पूरे साल का अगर आप जर्नल देखोगे तो आप तो ऐसा आपको लगेगा कि यार ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसीलिए हम लेजर मेंटेन करते हैं लेजर क्या होता है लेजर के अंदर बेसिकली जो हमने जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है उसके अंदर जो सिमिलर नेचर वाली ट्रांजेक्शन है ना हम उसको एक अकाउंट में डाल देंगे जैसे जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी जो जर्नल के अंदर है जहां पर कैश गया या जहां पर कैश आया वो हम एक कैश अकाउंट बना देंगे और उस कैश अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे ठीक है जी उसके अलावा अगर किसी पर्सन का अकाउंट है जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड इसके साथ हमारी कोई लेन देन होती है है ना इसके पास गुड्स गए और इसके पास फॉर एग्जांपल हमने इसको गुड्स बेचे और फिर उस उन गुड्स में से कुछ गुड्स खराब थे तो इसने हमें रिटर्न कर दिया तो ये सारी ट्रांजेक्शन हम इस पर्सन के अकाउंट के अंदर डाल देंगे कैश की सारी ट्रांजेक्शन कैश के अंदर डाल देंगे सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन सेल के अंदर डाल देंगे उससे क्या होगा अगर मेरे को कभी देखना होगा कि हाँ भाई मेरी कितनी सेल हुई तो मुझे सारी एंट्रियों में सेल्स ढूंढने की जरूरत नहीं है जर्नल में मैं सीधा अपना लेजर खोलूंगा सेल्स अकाउंट वाला और मेरे को पता चल जाएगा हाँ यार ये मेरा सेल्स का पूरे का पूरा खाता है ओके तो क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन वाली जो स्टेज है उसके अंदर हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर जो है ट्रांजेक्शन को डाल देते हैं लेजर बना करके एंड विद डन विदेश लेक्चर गाइज जो बाकी की दो प्रोसेस बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप हो जाएंगे आज ही वो भी वीडियो डाल दूंगा डो नॉट वरी अबाउट दैट पीडीएफ आप जानते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइन नाइन हैजू बेड फॉर दैट एंड कोई भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर सकते हो वहां पर आपके वीडियो अपडेट्स भी आते रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सी इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर एंड बाई